आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके पास आए हैं। ऑलरेडी हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है वो कितने प्रकार की हैं और फिर उनको डिटेल में अलग अलग थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरीज के प्रकार देखते हैं कि कितने प्रकार की थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले देखो थ्योरीज ऑफ लर्निंग या अधिनियम के जो सिद्धांत है वो तीन प्रकार से बांटे गए हैं। सबसे पहला वाला सिद्धांत जो है उसे कहते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा जो प्रकार है अधिनियम के सिद्धांतों का वो है कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग या ज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिनियम के ज्ञानात्मक सिद्धांत। और तीसरा जो प्रकार है वो है सोशल लर्निंग थ्योरीज या सामाजिक अधिनियम के सिद्धांत। तो ये तीन प्रकार के सिद्धांत जो है इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये कैसे इनको बनाया गया है, क्या कहते हैं जो बिहेवियरिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या कहते हैं इसके विषय में। सबसे पहले जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो है या व्यवहारवादी सिद्धांत है वो क्या करता है, वो फोकस करता है एक्सटर्नल ऑब्जर्व्ड बिहेवियर पे। एक्सटर्नल ऑब्जर्व्ड बिहेवियर का मतलब कि बाहर क्या हो रहा है। ऑल बिहेवियर आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। क्या कह रहे हैं, ऑल बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं, जो अधिगम की प्रक्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन के थ्रू हो रही है। मतलब मेरे आसपास कोई चीज घट रही है उसके जो है उसको उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हुए मैं कुछ कर रही हूँ। जब मैं कुछ कर रही हूँ मैं कुछ एक्सपीरियंसेस गेन कर रही हूँ और वो एक्सपीरियंसेस या जो मेरे अनुभव है वो मुझे सिखाते हैं। तो इस तरह से सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ऑल बिहेवियर्स आर लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट या व्यवहार में अनेक कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं। हमने कहा था पहले भी, हम कह चुके हैं कि व्हाट इज लर्निंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर कैसे होगा, व्यवहार में बदलाव दो तरीके से हो सकता है, या तो एग्जिस्टिंग बिहेवियर को हम स्ट्रेंथन करेंगे या एग्जिस्टिंग बिहेवियर को वीकन करके नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जो पहले से हमारे अनुभव है उनको हम कमजोर कर नए अनुभवों को सीखने की प्रक्रिया करेंगे, या फिर जो हमने सीखा हुआ है उसको और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। दो तरह से अधिगम की प्रक्रिया जो है अनुभवों के माध्यम से होती है। व्यवहार में अनेक कारणों से परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया। कोई भी चीज हमारे आसपास घटती है उसके अगेंस्ट हम एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, ये जो प्रोसेस है इसमें हम लर्निंग करते हैं। दूसरा है अंतःक्रिया या तो आदत निर्माण। आदत निर्माण का क्या मतलब है कि जो भी डेली लिविंग की हमारी चीजें होती हैं हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और उससे हमारी हैबिट फॉर्मेशन होती है। तो हैबिट फॉर्मेशन वो भी क्या है, एक व्यवहार में बदलाव है हमारे। उसके बाद चरित्र का निर्माण, हमारा कैरेक्टर फॉर्मेशन जो होता है वो भी चरित्र का निर्माण जो है वो भी किसके द्वारा, व्यवहार में बदलाव के कारण ही होता है। हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, दूसरों के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमारा कैरेक्टर होता है, वो हमारा चरित्र होता है, और वो कैसे बनेगा वो हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे इंटरेक्शन या हमारे एनवायरनमेंट के साथ हमारे इंटरेक्शन से बनता है। तथा मूल प्रवृत्तियों और गामक क्रियाओं का अध्ययन, मतलब जो भी चीजें जो डिटेल रोज की हमारी दिनचर्या की चीजें हैं जो हम रोज करते हैं उन सब क्रियाओं के अध्ययन से जब हम सीखते हैं तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या कहते हैं, वो एक्सटर्नल बिहेवियरल लर्निंग है या व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहार अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत है। इसके एग्जांपल क्या क्या आएंगे, सबसे पहला जो व्यवहार का बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है वो किसने दी थी, वो दी थी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का जो आपको याद भी होगा जब आपने बीएड की होगी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी तरह पावलोव की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जहाँ पर उसने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसी तरह स्किनर की थ्योरी है, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें वो एड बनाना जो है वो सिखाता है, या फिर जो है गेहूं के दाने उससे वो उसको एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर करना सिखाता है पेशेंट को। उसी तरह नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव थ्योरी, ये ज्ञानात्मक सिद्धांत है। ये किससे करते हैं, ये फोकस ऑन इंटरनल मेंटल प्रोसेस। तो देखो दो चीज इनमें, इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस है कॉग्निटिव थ्योरी में और बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में। तो कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो डील करती है एक्सटर्नल बिहेवियर के साथ, जबकि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी जो है वो डील करती है किसके बारे में, सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर के बारे में। ये इंटरनल बिहेवियर की बात नहीं करती।
जबकि यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, फोकसेस ऑन इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, हमारे दिमाग में मस्तिष्क में होने वाली अनेक प्रक्रियाओं के विषय में ये बात करती है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी भी कहते हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, समस्या का समाधान तथा प्रतियों के बोध हेतु उद्दीपन तथा समुचित वातावरण का को उत्पन्न किया जाता है। मतलब हम इस तरह का एनवायरनमेंट अपने स्टूडेंट के लिए प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप किया जा सके। तो ये टीचिंग एक लर्निंग का एक नया मेथड है जिसमें कि आप स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप होने देते हैं। एग्जाम्पल कौन सी थ्योरीज है इसकी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज की, सबसे पहले जो है ब्रूनर की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, लगभग 1956 में जिसने दी थी। फिर कोर्ट लुइंस थ्योरी है, फिर टॉलमेंस की थ्योरी है, ये सारी की सारी थ्योरीज जो है वो किसके अंदर कैटेगराइज है, वो कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग के अंदर कैटेगराइज है। और तीसरी जो थ्योरी, जो टाइप ऑफ लर्निंग की थ्योरी है वो कौन सी होती है, वो सोशल लर्निंग थ्योरीज होती है या सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन नकल आदर्श व्यवहार के प्रतिमानों के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। तीन चीजें हैं इसके अंदर, कौन सी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, अवलोकन यानी का क्या मतलब होता है, अवलोकन का मतलब होता है देखना, क्या होता है देखना, टू सी। उसके बाद फिर नकल करना, मतलब मैं कोई चीज, कोई मेरी मदर खाना बनाना बना रही है तो मैंने सिर्फ उनको देखा और मैंने सीख लिया, मैं उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करती रहती हूँ उस बिहेवियर को और मैं सीख लेती हूँ। फिर नकल करना, कोई मेरे फ्रेंड ने कुछ कर रहा था, मैंने उसकी नकल की, जैसे वो कर रहा था वैसे ही बार बार मैंने भी करने की कोशिश की, नकल करने की कोशिश की, तो मैंने वो सीख लिया। उसी तरह किसी का आदर्श व्यवहार का प्रतिमान, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान से क्या मतलब है कि कोई आइडियल बिहेवियर, आप अपने टीचर को कॉपी करते हैं कि वो इस तरह से आता है, पंचुअल है, टाइम पे आता है, बोर्ड पे कैसे लिखता है, अपनी बुक्स को कैसे रखता है, लोगों से बात कैसे करता है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता है। उसी तरह बहुत सारे खिलाड़ी जो है बहुत मॉडल हो सकते हैं, अभिनेता मॉडल हो सकता है, वो किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, कोई IAS हो सकते हैं आपके मॉडल, मतलब जो आदर्श व्यवहार, उनको हम ऐसे कहते हैं आइडियलिस्टिक बिहेवियर को कर रहे हैं कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि होना चाहिए, तो इसी प्रकार की चीज को होना चाहिए। तो जब हम ऐसे व्यवहारों को देखते हैं तो हम अपने आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं या उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर लर्निंग, लर्निंग थ्रू व्हाट, लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। तो ये जो थ्योरी है वो क्या, किसके अंदर आती है, वो सोशल लर्निंग थ्योरी आती है। एग्जाम्पल क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी का, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं हम, समाज द्वारा स्वीकार्य व्यवहार को अपनाते हैं, जो समाज कहता है कि ये ठीक है ऐसे व्यवहार को हम करते हैं, और जो समाज कहता है कि ये व्यवहार ठीक नहीं है, नकारात्मक है, ये नहीं करना चाहिए, जो वर्जित है समाज द्वारा, तो हम उसको नहीं करते। तो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल चीजों को करते हैं और सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या हुआ, जो चीजें सोशली एक्सेप्टेबल है उनको करना और सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजों को ना करना, और अपने आसपास घटने वाली चीजों को ऑब्जर्व करके उनसे सीखना, ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी थ्योरी इसके अंदर आती है, ये थ्योरी आती है सोशल लर्निंग थ्योरी। सो हमने तीन तरह से कैटेगराइज किया थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हमने नहीं मतलब पहले से ही हो रखी है, हमने उनको स्टडी किया, सबसे पहले कौन सी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, दूसरी कौन सी है, कॉग्निटिव थ्योरी, और तीसरी कौन सी है, सोशल लर्निंग थ्योरीज। इन थ्योरीज में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं कि ये किसके अंदर आती है, कौन सी थ्योरी किसके अंदर आती है, कौन सी बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, कौन सी जो है कॉग्निटिव थ्योरी है, कौन सी जो है सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो ये सारी चीजें हम आगे चल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब देखेंगे तब देखेंगे, बेसिक सा एक फंडामेंटल जो है मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।